नंबर वन द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। सो द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, लोग जिंदा इंसान के ऊपर अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को किडनैप करते हैं जिनके आगे पीछे देखने वाला कोई होता नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भिखारी है या होमलेस मैन कहीं रह रहा है तो उसको किडनैप कर लेते हैं, फिर उसको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ कोई नहीं आता, या फिर उनका कोई सीक्रेट ठिकाना या अड्डा होता है वहाँ पे। वहाँ ले जाने के बाद उन पे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लास्ट न्यूज के हिसाब से और कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मुझे पता है कि 4 या 5 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो लाइव स्टरलाइजेशन का है, दूसरा स्टारवेशन का। इनफैक्ट प्रीवियस न्यूज में ये बताया गया था कि एक इंसान को रूम के अंदर बंद कर दिया गया और उसको लगभग 18 दिन तक खाना नहीं दिया गया था। हाँ, पानी उसको दे रहे थे, लेकिन वो बंदा 18 दिन तक जीवित रहा, फिर वो मर गया। और इस चीज का लाइव टेलीकास्ट वो डार्क वेब पे कर रहे थे। इतना ही नहीं, रेडिएशन एक्सपोजर भी करते हैं, ऐसी जगह पे ले जाके उन पे रेडिएशन छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि उसका ह्यूमन फ्लेश पे क्या इफेक्ट होता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इन सबको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है। डार्क वेब पे ये बहुत आम बात है। नंबर 2, एनिमल क्रुएल्टी। सो इंसान एनिमल क्रुएल्टी तो करता ही है, चाहे आप बकरे को मारो या मुर्गे को मारो या मछली मारो या कोई भी सिचुएशन, जिस भी चीज को आप मार के खा जाते हो तो क्रुएल्टी ही है। लेकिन इंसानों ने हद पार कर रखी है, कुछ चीजों को नहीं खाना चाहिए। अब जैसे कुत्ते को तो कोई नहीं खा सकता है, लेकिन उसको भी चाइनीज लोग पका के खा रहे थे। अभी प्रीवियसली अभी तो सिचुएशन, करेंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का सीन मचा हुआ है और सारे देश अफेक्टेड हैं इससे। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर जगह हो रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जानवरों से ही आया है, और इंटरनेट पे पिछले कुछ दिनों पे जानवरों की क्रुएल्टी वाले वीडियोज भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसपे कुत्ते को पका रहे थे, जिंदा कुत्ते को पका रहे थे और मैक्सिमम टाइम तक उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज डार्क वेब पे भी होती है और बहुत बड़े पैमाने पे होती है। इसमें सिर्फ छोटे मोटे जानवर नहीं, बहुत बड़े बड़े जानवर को भी जिंदा पकाया जाता है। इसकी भी लाइव वीडियोस टेलीकास्ट करते हैं ये लोग। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पिछले कुछ महीनों में जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि ये चाइना की वीडियोस हैं, और उनमें से जो मैक्सिमम वीडियोस हैं उसके बारे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये डार्क वेब की वीडियोस हैं जिनको मिस इन्फॉर्मेशन के साथ फैलाया जा रहा है। नंबर 3, कैनिबलिज्म। तो उन लोगों को जिनको नहीं पता है कि कैनिबलिज्म क्या होता है, ये छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऑर्गन्स को खाता है, चाहे लिवर हो, चाहे फेफड़े हो, या किसी भी तरीके का जो ऑर्गन होता है इंसान का, इनफैक्ट मांस भी खाते हैं। तो कैनिबलिज्म बहुत पॉपुलर है और डार्क वेब पे बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली, ये चीज तो आदिवासियों में होती है, लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमन है वो भी ह्यूमन के फ्लेश को खाता है, और ये चीज बिकती भी है। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज बताई भी थी और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि वो मांस का करते क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मांस खरीदता है तो उसको खाएगा ही, कोई अदर सिचुएशन या ऑप्शन तो है नहीं। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही जो होमलेस पीपल हैं उनको पकड़ लेते हैं, या जो फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब इंसान मर जाता है फिर उसके मांस को काट कूट के ये बेच देते हैं, और लोग खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। इस तरीके से ये सारा काम चलता है। और अगर आप डार्क वेब पे जाते हैं तो बहुत सारी डेडिकेटेड वेबसाइट्स भी हैं जहां पे आपको ह्यूमन फ्लैश मिलेगा, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उसको बैन भी नहीं कर सकती क्योंकि ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि ये वेबसाइट कौन चला रहा है, कहां से चला रहा है, पर्टिकुलर ओरिजिन क्या है, ये सब पता नहीं चलता डार्क वेब पे, बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कैनिबलिज्म भी देखने को मिलेगा डार्क वेब पे। नंबर 4, डेडिकेटेड ह्यूमन फ्लैश साइट्स। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि एक इंसान को कैसे पकाया जा सकता है। तो पहले साइट में बेसिकली क्या होता है, ये आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताते हैं कि इंसान के मांस को कैसे पकाना। इतना ही नहीं, मतलब मैं डिटेल्स, मतलब बहुत डिटेल्स, माइनर डिटेल्स की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। माइनर डिटेल्स मतलब जैसे आप चिकन लेते हो, उसके लेग पीस पे कट लगाते हो, फिर उसको फ्राई करते हो, या जिस तरीके से भी पकाते हो। लाइकवाइज ये इस वेबसाइट पे ये बताता है कि आप ह्यूमन फ्लेश को किस तरीके से पका सकते हैं, या आप उसके हाथ को कैसे पकाना चाहिए, आपको कहाँ कट लगाना चाहिए, कहाँ के मांस को आप डायरेक्टली उबाल के खा सकते हैं, कहाँ के मांस को आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें एक डेडिकेटेड वेबसाइट्स पे ये लोग बताते हैं। और इतना ही नहीं, उस वेबसाइट्स के मंथली एक्टिव विजिटर्स जो है वो 1.3 मिलियन है। अब जरा आप ये सोचो कि महीने के 13 लाख लोग उस वेबसाइट पे जाके इसी चीज को देख रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या होता है, इंसान कहां तक गिर गया है, किस सिचुएशन में जाके और ऐसी चीजों को देख रहा है, ऐसी चीजों को परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये अनइमेजिनेबल है। अगर आप एक पर्सनल ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो दिस इज रिडिकुलस, राइट? आप किसी इंसान को मार के काट के उसको बना के और फिर उसको खाने के बारे में बात कर रहे हो, डिटेल में प्रोसीजर बता रहे हो और लोग उसको देख भी रहे हैं। अगर कोई देख रहा है इसका मतलब ये है कि उसका इंटेंशन कहीं ना कहीं आगे जाके ये है कि एटलीस्ट उसको ट्राई करे, राइट? अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, ह्यूमन प्रोडक्ट। तो आज तक आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे जिसमें जैसे जानवरों के चमड़े से बनी हुई बेल्ट या लेदर जैकेट या स्कार्फ या फिर टोपी, इस तरीके की चीजें आपने खरीदी होंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क वेब पर यही सेम चीजें ह्यूमन फ्लेश और ह्यूमन के चमड़े से बनी हुई चीजें भी मिलती। मतलब अगर आपको एक ह्यूमन बेल्ट चाहिए तो आप डार्क वेब से खरीद सकते हैं। और आप मानोगे नहीं, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके और ह्यूमन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते। और ह्यूमन प्रोडक्ट्स में सिर्फ यही इंक्लूड नहीं करता कि उसके चमड़े से बनी हुई बेल्ट है या टोपी है या लेदर जैकेट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खाने की चीजें भी मिलेंगी, मतलब ह्यूमन फ्लेश वाली चीजें जो अभी मैं पिछले टॉपिक में आपको बता रहा था कि वो डायरेक्टली बेच देते हैं, इस बार आपको पैकेज्ड फूड, कंटेन्ड फूड, जैसे जनरली आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हो उस तरीके से लिटरली ये पैक करके इन चीजों को बेचते हैं। ये भी एक बहुत ही घिनौना काम है और इसके बारे में भी रिसेंटली न्यूज आई थी। तो जनरली मैं न्यूज़ पे तो बिलीव नहीं करता, लेकिन जो लीक्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जो लोग लाइव एक्सपीरियंस करते हैं इन चीज़ों को, उनके बारे में, उनकी वीडियोस को देखने के बाद और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये चीज कहीं ना कहीं सही है और ये चीज होती आ रही है और फ्यूचर में भी होती रहेगी, बिकॉज इन चीजों का कोई ट्रेस नहीं है, नोबडी कैन लिटरली ट्रैक देम। तो ऐसे सिचुएशन में ना तो आप उनको बैन कर सकते हो और ना ही इन चीजों को आप रोक सकते। तो ये चीज भी इस डार्क वेब पे होती। नंबर 5, लास्ट वर्ड्स। लास्ट वर्ड से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, गेस कर सकते हो आप लोग? पता नहीं, आप गेस करो, मैं आगे बताता हूँ। इस बेसिकली लास्ट वर्ड्स का ये मतलब है कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वो चीजें सुनने को मिलेगी जब इंसान मरने वाला हो, उससे पहले की, बिल्कुल एग्जैक्टली मरने की, जैसे किसी को फांसी दिया जा रहा है उसके 5 मिनट पहले का जो भी बात उसने करी है वो सुनने को आपको मिलेगा वहाँ। तो ये चीज भी वहाँ पे होती है और दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली। ये बेसिकली क्या करते हैं कि लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को कहीं ना कहीं से अगवा कर लिया और फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं और बहुत बेरहमी से मारते हैं उनको। तो फिर वो 5 मिनट पहले तो लोग जनरली जो भी वॉइसेस होते हैं उसमें लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज ही होती है, कोई कुछ कहता नहीं है। और हाँ, कुछ ऑडियोज ऐसे भी हैं जिसमें वो लोग गालियां दे रहे हैं लोगों को जो उनको मारना चाहते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने एक डेडिकेटेड वेबसाइट बना रखी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंसा बहुत ज्यादा पसंद होती है और वो लोग ऐसी चीजों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके लिए भी एक स्टैटिस्टिक्स प्रीवियसली लीक हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि 800K मतलब 800,000 लोग इस वेबसाइट पर जाकर और इन चीजों को सुन रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इंसान कितना गिर गया है और कैसी कैसी चीजों को देखकर, मतलब मजे ले रहा है बेसिकली। किसी को वो चीज पसंद होगी जब तो वो बंदा वहां पे जा रहा है या उस चीज को देख रहा है या कोशिश भी कर रहा है देखने की। तो दैट्स इट, 5वें नंबर पे लास्ट वर्ड ही था। ओके गाइज, अब सबसे ज्यादा काम की बात, मैं इसका एक और पार्ट बनाने जा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे मुझसे। इसमें मैं बेसिकली रेड रूम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रेड रूम के बारे में आपने इंटरनेट पे काफी पढ़ा होगा और बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा कि बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है। एक छोटा सा स्नीक पीक मैं आपको दे देता हूँ। रेड रूम ये होता है बेसिकली जिसमें एक जिंदा इंसान को रखा जाता है और इंटरनेट पे जो भी इंसान बहुत ज्यादा बोली लगाता है, जैसे किसी ने बोला कि मैं $500 दूंगा तुम इसके हाथ काट दो, और जो बंदा वहां पे एग्जीक्यूशनर है वो उसके हाथ काट दे, बस यही चीज होती है उसमें। लेकिन उसका मैं डिटेल एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे होता है, कहां से इंसान को पकड़ के लाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बिडिंग होती है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।